www.pujankaro.com में आपका स्वागत है। यह यमुना एक्सप्रेसवे का एक मनोरम दृश्य है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स जलती हुई यमुना एक्सप्रेसवे पर। छोटा चेतन इस गाड़ी को चलाते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये यमुना एक्सप्रेसवे का। आप देख सकते हैं कैसे लाइट्स चारों तरफ जगमगाती हुई। एक साइन बोर्ड भी नजर आ रहा है। सोलर लाइट्स टाइप में लगी हुई लाइट्स। चेतन जी आप कहाँ के रहने वाले? हम छटीकरा। हाँ, छटीकरा किधर पड़ता है? ये तो वृंदावन से वृंदावन में एंटर करते हैं तभी गोवर्धन के बीच में ऑन हाईवे पे NH2 पे पड़ता है छटीकरा। NH2 पर। हाँ। ओके, तो छटीकरा गांव है या शहर है? छटीकरा गांव। ओके, तो गांव है तो आपके घर में खेती भी होगी? हाँ, खेती होती है। ओके, कितने खेत हैं आपके पास? 5 बीघा। ओके, क्या क्या पैदा करते हैं उस खेत? केवल सरसों। अच्छा, ऐसा क्यों? पानी की थोड़ी कमी। अच्छा, तो इतनी फसल से आपका गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो फसल को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? नहीं, उसमें बचाने का ऐसा कोई खास नहीं होता सरसों में। अच्छा, तो उसमें क्या कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते हैं? कीटनाशक का भी करते हैं। अच्छा, आने पे। अच्छा, और यूरिया? यूरिया वगैरह ये भी किया जाता है। अच्छा, तो यूरिया से क्या फसल पैदावार बढ़ जाती है क्या? हाँ, बढ़ जाती है। अच्छा, और अगर यूरिया का अगर हम इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? तो उसके मुकाबले थोड़ी कम होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो अगर मान लीजिए कि गाय या भैंस के गोबर का अगर खाद अगर यूज की जाए उस फसल की पैदावार के लिए, तो उसमें क्या बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। पहले तो गोबर की खाद का ही प्रयोग किया जाता था खेत। हाँ जी, हाँ जी, हरित क्रांति के पहले जी। और अब लोग बाग उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं जी, है कि नहीं जी? हाँ, आप भी अपने खेत में अगर आप गोबर की खाद अगर लगाते हैं तो और उसको 5 गुना दाम में अगर बेचते हैं तो वही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हमारा तो उधर पानी नहीं है खेत में, जमीन में, तो एक ही फसल लेना। हाँ, बस। अच्छा, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ, दुर्घटना से देर मिली। यमुना एक्सप्रेसवे का एक विहंगम दृश्य।
चेतन जी, आप जो किसान लोग हैं, फसल पैदा करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये यूरिया वूरिया से फसलें जो है अधिक तो होती है, हाँ, लेकिन वो शुद्धता नहीं आ पाती है जो वैसे खाद से होती है, देशी खाद से। अच्छा। देशी खाद का उपयोग करें। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि देसी खेत लगाने पे कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं फसल में। अब लेकिन ये तो मैंने तो देखा नहीं, कहते होंगे। अच्छा, आपको अभी मतलब कंफर्म नहीं है कि कीड़े लग जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, यात्रा पे है, सफर कर रहे हैं अब, जैसे ज्यादा आधा पौना घंटे में घर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो घर पर आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? तो दो बेटी एक बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो लॉकडाउन में सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा। अच्छा, चलिए, भगवान से यही कामना करते हैं कि आगे तरक्की और उन्नति होती रहे और काम बढ़ता रहे आगे। www.pujankarod.com